इफ समबडी इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर देन अगर वो सिर्फ लाइक यूट्यूब की क्लासेस से ही वो कर रहा है और वो न्यूज़पेपर नहीं रीड कर रहा तो वो कहीं लैक तो नहीं कर रहा. देखिए एक चीज होती है जो हमारे सब में होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ये सब में होता है, जो कोई भी हो, जो टॉपर होगा ना उससे भी एक दिन पहले पूछोगे तो उसे लगेगा शायद यार क्या पता मैं कुछ मिस कर गया हूँ. परफेक्ट नॉलेज किसी के पास नहीं होती. आप किसी से बोलो, हर किसी को हर चीज़ थोड़ी ना पता है दुनिया में. तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमेशा रहेगा. आप कुछ भी कर लो, आप 10 बुक पढ़ लो तब भी आपको लगेगा यार क्या पता मैं एक पॉइंट मिस कर गया हूँ. उसके पीछे नहीं भागना है. रिसोर्सेज इतने रखी हैं जो सफिशियंट हो मिनिमम. बहुत ज़्यादा करोगे तो यूपीएससी में कोई लिमिट थोड़ी ना है कंटेंट पढ़ने की. तो चैनलाइज करना है. वी हैव टू चैनलाइज अवर नॉलेज, चैनलाइज अवर एफर्ट टूवर्ड अ गोल. उसमें मिनिमम करंट अफेयर्स को रखना है. जहाँ तक बात है आपका यूट्यूब एनालिसिस की, बिल्कुल चलेगा. नॉलेज का मतलब है कहीं से भी मिले, क्या मतलब है इससे. मैं तो सजेस्ट करता हूँ मिनिमम रखिए वीकली क्लास. उसके नोट्स मिलते हैं उन्हें पढ़िए, अपने नोटबुक में लिखिए. उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस यूट्यूब से देख लीजिए, खुद कर लीजिए और उसे नोट्स में डालिए. एंड मंथली मैगजीन, उसे फिर पढ़िए, कंटेंट बनाइए, समरी बनाइए, नोट्स में डालिए. दैट्स इट. इन तीन सोर्स से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज आएगी, वो आपका जो बचा कुचा गैप है वो टेस्ट सीरीज फिल कर देती है.